नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीडी फ्रीड्स की तरफ से चार ऐसे अपडेट हैं जो डीडी फ्रीड्स के दर्शकों के लिए निकल के सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, दो ऐसे चैनल हैं जो बिना ई ऑक्शन के डीडी फ्रीड्स पर लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डीडी फ्रीड्स के दर्शकों के लिए पहला जो अपडेट है वो मनोरंजन ग्रांड चैनल की तरफ से निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन ग्रांड चैनल पर आप सभी लोगों को हंगामा टीवी का मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो चाचा भतीजा देखने को मिलने वाला है हर शाम 6 बजे। जी हाँ दोस्तों, हर शाम 6 बजे आप सभी लोगों को चाचा भतीजा शो देखने को मिलने वाला है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, तो दूसरा अपडेट है अतरंगी टीवी की तरफ से निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अतरंगी टीवी जो अभी अभी डीडी फ्रीड्स पर लॉन्च हुआ है, और डीडी फ्रीड्स पर आने से पहले अतरंगी टीवी पर दो ओरिजिनल शो दिखाता था जिसका नाम था दोस्तों परशुराम और हरा सिंदूर। ये दोनों ही शो अतरंगी टीवी के ओरिजिनल शो हैं, लेकिन दोस्तों डीडी फ्रीड्स पर आते ही अतरंगी टीवी ने इन दोनों सीरियल को बंद करने का फैसला ले लिया है। बहुत जल्द ये दोनों सीरियल अतरंगी टीवी से देखने को बंद हो जाएंगे, अतरंगी टीवी पर आप सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और यहां पर आप सभी लोगों को उल्लू प्रोडक्शन के ही सीरियल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे अपडेट की। जो तीसरा अपडेट है वो है 62 ईऑक्शन को लेकर, क्योंकि दोस्तों 62 ईऑक्शन में रसिया टुडे चैनल ने MPG4 बॉक्स में स्लॉट जीता है, और ये चैनल 24 अगस्त से डीडी फ्रीड्स पर ऐड होने वाला है। और दोस्तों, चौथा अपडेट है स्टार उत्सव चैनल की तरफ से। स्टार उत्सव के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि स्टार उत्सव चैनल के अपडेट के बारे में। उसके बाद दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दो नए चैनल की जो डीडी फ्रीड्स पर लॉन्च होने वाले हैं बिना ई ऑक्शन के, क्योंकि दोस्तों डीडी फ्रीड्स पर कोई भी चैनल ई ऑक्शन के बिना लॉन्च नहीं होता है, लेकिन ये दो ऐसे चैनल हैं जो बिना ई ऑक्शन के लॉन्च होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें पहले चैनल की, तो पहला चैनल है डीडी ग्लोबल जो इंटरनेशनल न्यूज का चैनल रहने वाला है। और दोस्तों, इस चैनल के बारे में बात करें तो डीडी न्यूज की जगह ये चैनल रीब्रांड होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे चैनल की। दूसरा चैनल है B4U+ जो की 61 ईऑक्शन में स्लॉट जीत के डीडी फ्रीड्स पर एड हो गया है, लेकिन ये चैनल पूरी तरह से अभी डीडी फ्रीड्स पर लॉन्च नहीं हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों में ये चैनल पूरी तरह से डीडी फ्रीड्स पर लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप सभी लोगों को बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ B4U+ चैनल डीडी फ्रीड्स पर देखने को मिलने वाला है। अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।